झंडा या परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। दुनिया में हर मुल्क का एक झंडा है, बल्कि कई मुल्कों में तो रियासतों और शहरों के भी झंडे हैं। कुछ झंडे तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही झंडों और उनकी दिलचस्प मालूमात के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो तब शुरू होगी जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे। जब तक ये काम नहीं होगा वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपके सब्सक्राइब के बाद हम वादे के मुताबिक चलते हैं वीडियो की तरफ, दुनिया के अनोखे दिलचस्प और मुनफरिद झंडों की तरफ। आज हम आपको बताएंगे उस मुल्क के बारे में जिसका झंडा रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततील नहीं है, बल्कि दो तिकोनों से बना हुआ है, और उस मुल्क के बारे में भी जिसके झंडे पर क्लाश्निकोव बनी है यानी फुल बदमाशी, और मुकाबले में उस मुल्क के बारे में भी जिसका झंडा मुकम्मल तौर पर सफेद था यानी अमन की अलामत। तो सबसे पहले चलते हैं अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका, जिसका झंडा दुनिया के मशहूर तरीन परचमों में से एक है। और इस झंडे की खास बात यह है कि अमेरिकी कानून के मुताबिक कौमी परचम को किसी भी तशहीरी मकसद यानी एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही नहीं बल्कि परचम की बेहुरमती का भी कोई कानून नहीं है, यानी अमेरिका में किसी मुजाहरे में अगर कौमी परचम जला दिया जाए तो ये जुर्म नहीं। यही नहीं बल्कि अमेरिकी परचम को उल्टा भी लगाया जा सकता है और उस पर भी कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। लेकिन याद रखें, देशभक्ति अमेरिका में भी बहुत है, इन देशभक्तों के हत्थे चढ़ गए तो फिर खैर नहीं। अब हमारे सामने वो झंडा है जो ना मुस्ततील है और ना चौकोर। दुनिया के तकरीबन सारे ही मुल्कों के झंडे मुस्ततील यानी रेक्टेंगुलर हैं, लेकिन ये झंडा है तिकोन, एक नहीं बल्कि दो तिकोनों से बना हुआ। ये अनोखा मुल्क है नेपाल, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों की सरजमीन, माउंट एवरेस्ट की सरजमीन, जिसका परचम पूरी दुनिया से अलग और मुनफरिद है। खुद देख लें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों के झंडे मुस्ततील यानी रेक्टेंगुलर हैं, लेकिन दो मुल्क ऐसे हैं जिनके झंडे चौकोर हैं यानी स्क्वायर शेप में। एक यूरोप के मरकज में वाक़ स्विट्ज़रलैंड है और दूसरा इसी बर्रे आज़म में वाक़ वेटिकन सिटी। स्विट्ज़रलैंड का झंडा इतना मशहूर है कि रेड क्रॉस ने भी इसी को अपना लिया है, बस रंग उल्टे कर दिए हैं, यानी झंडा सफ़ेद रंग का और दरमियान में क्रॉस लाल रंग का। वेटिकन सिटी मसीहियों के लिए एक मुकद्दस मुल्क है, ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है। इसकी एक और इंफरादियत है इसका परचम, स्विट्ज़रलैंड की तरह ये भी चौकोर है। ये परचम जो आप देख रहे हैं दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक इंडोनेशिया का है। ये झंडा जो अब आपके सामने आया है यूरोप के एक छोटे से मुल्क मोनाको का है। क्या कहा आपने, आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? जी हाँ, ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं और अगर एक साथ लहरा रहे हो तो फर्क पहचान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनमें एक फर्क है, वो ये है कि मोनाको का परचम जरा छोटा है। अगर अब भी आपका दिमाग नहीं घूमा तो आए पोलैंड चलते हैं, देख लें इसके झंडे को भी, ताकि झगड़ा हो तो जरा खुल कर हो। ये पोलैंड का परचम है इंडोनेशिया के झंडे का बिल्कुल उलट, यानी इसमें लाल पट्टी नीचे है और सफेद ऊपर। इंडोनेशिया और मोनाको के झंडे तो मिलते जुलते हैं, लेकिन जरा ये दोनों परचम देखें। ये मशरकी यूरोप का मुल्क रोमानिया का झंडा है और दूसरा वस्ती अफ्रीका के मुल्क चाड का। एक जैसी नीली पीली और लाल रंग की पट्टियां, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों में नीले रंग का शेड जरा सा मुख्तलिफ है। कितना जरा सा, यह तो हमें भी नहीं पता। बेल्जियम का परचम भी इनके करीब करीब है, बस इसमें नीले की जगह काला रंग इस्तेमाल किया गया है। शुक्र है ये मुल्क आपस में पड़ोसी नहीं है, वरना जंग तो लाजमन होती। कुछ ऐसा ही झगड़ा दो छोटे से मुल्कों के दरमियान भी हो सकता है। एक वेस्ट इंडीज में मौजूद हेटी है और दूसरा यूरोप का नन्ना सा मुल्क लेक टेंस्टन है। जब दोनों मुल्क 1936 के ओलंपिक्स में शरीक हुए तो वहां इफ्तिताही तकरीब में उन्हें पता चला कि दोनों का झंडा तकरीबन एक जैसा है। तब झंडों में फर्क पैदा करने के लिए लेक टेंस्टन ने अपने झंडे पर एक ताज का इजाफा कर दिया। लीबिया अफ्रीका का एक अहम मुल्क रहा है,
पिछले कुछ सालों से मुल्क में ज़बरदस्त खाना जंगी जारी है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन इससे पहले ये अफ्रीका के अमीर मुल्कों में से एक था। मुअम्मर कज़ाफ़ी के दौर में 1977 से 2011 तक इस मुल्क का परचम कुछ ऐसा था। जी हाँ, इसे दुनिया का सबसे सादा झंडा कह सकते हैं। इस पर कुछ नहीं बना हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक रंग बस। वैसे कज़ाफ़ी हुकूमत के खात्मे के बाद लीबिया ने अपना पुराना झंडा बहाल कर दिया है। अब यही झंडा हर जगह इस्तेमाल होता है। वीडियो के आगाज में हमने आपको बताया था कि एक मुल्क ऐसा भी है जिसका परचम सफेद रंग का था, यानी अमन और शांति के रंग का। ये बहुत अहम मुल्क का झंडा था, पूरा सफेद, जिस पर कुछ भी नहीं बना हुआ था। ये सादा तरीन झंडा फ्रांस का 1815 से 1830 के दौरान था, और ये वो दौर था जब फ्रांस में बोर्बोन खानदान की हुकूमत बहाल हुई थी। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन दुनिया की एक उभरती हुई ताकत है। इसका लाल परचम दुनिया पर छा रहा है। इस झंडे में आपको पीले रंग के एक बड़े सितारे के साथ चार छोटे सितारे भी नजर आते हैं। क्या आपको मालूम है ये सितारे किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? बड़ा सितारा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, और छोटे सितारे नुमाइंदा हैं मेहनतकशों, किसानों, मुतवस्सत तबके और मुहिब वतन सरमायाकारों के। यानी चीन का तो झंडा भी माशी पहलू रखता है। जनूबी अमरीका का मुल्क है पैराग्वे। इसका झंडा दुनिया के परचमों में सबसे मुख्तलिफ है। इसके दरमियान में जो अलामत बनी हुई है वो झंडे के दोनों तरफ मुख्तलिफ है। जी हाँ, आप एक तरफ से परचम देखेंगे तो इस पर ये बना है और दूसरी जानिब ये है। ना हैरत की बात। फिलिपाइन एशिया का एक अहम मुल्क है जिसका परचम कुछ ऐसा है, ऊपर नीला रंग और नीचे लाल। लेकिन ये ज़माना अमन का परचम है जनाब। अगर खुदा ना खास्ता फिलिपाइन हालत जंग में चला गया तो इस परचम को उल्टा कर दिया जाएगा, यानी लाल रंग ऊपर। शायद ही दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के झंडे के हवाले से ऐसा मुनफरिद कानून हो। अब जरा बंदूकों वाले मुल्क की तरफ चलते हैं। हमने वीडियो के आगाज में बताया था ना कि एक ऐसा मुल्क है जिसके परचम पर बंदूक बनी हुई है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये मुल्क अफगानिस्तान नहीं है बल्कि अफ्रीका का मुल्क है मोजम्बिक। इसके रंगीन झंडे पर एक बंदूक बनी हुई है, और वो भी कोई और नहीं, मशहूर जमाना क्लाशनकोव। वैसे मोजम्बिक वाहिद मुल्क नहीं है जिसके झंडे पर कोई हथियार मौजूद है। वस्ती अमरीका के मुल्क ग्वाटेमाला के झंडे पर भी बंदूकें मौजूद हैं, लेकिन वो ज़रा पुराने स्टाइल की बंदूकें हैं। मोजम्बिक तो फुल मॉडर्न चल रहा है, यानी डायरेक्ट क्लाशनकोव। वैसे गौर से देखें तो हेटी और बोलिविया के परचम पर भी हमें तोपें नजर आती हैं, यानी उन पर भी हथियार बने हुए हैं, लेकिन ये सब अलामती हथियार हैं। इस मामले में तो मोजम्बिक अपना फेवरेट है भैया। अब अफगानिस्तान का जिक्र छिड़ी गया है तो इस पर भी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान का पहला झंडा 1709 में बनाया गया था, और हर कुछ अरसे बाद कोई नई हुकूमत आती और झंडा बदल देती। सिर्फ दो सदियों में अफगानिस्तान ने 20 मरतबा अपना झंडा तब्दील किया है। भाई इतनी जल्दी तो कोई कपड़े भी नहीं बदलता जितने अफगान परचम बदल लेते हैं। वैसे अफगानिस्तान के झंडे की एक खास बात यह है कि इस पर एक इमारत बनी हुई है। इसके अलावा सिर्फ कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जिसके परचम पर कोई इमारत है। ये भी हमारे एक पड़ोसी का झंडा है, आप जरूर पहचान गए होंगे, ये ईरान का परचम है। चले आपसे एक सवाल है, जरा ये बताएं इस झंडे पर लफ्ज अल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है? क्या कहा, सिर्फ एक बार? भाई जरा गौर से देखें, इस पर एक नहीं बल्कि 22 मरतबा अल्लाह लिखा है। अब नजर आया? ये शुमाली यूरोप के मुल्क नॉर्वे का झंडा है, और इसे सब झंडों की माँ यानी मदर ऑफ ऑल फ्लैग्स कहते हैं। लेकिन क्यों भाई? क्योंकि इस एक झंडे में से दुनिया के कई मुल्कों के झंडे निकल सकते हैं। खुद देख लें, इंडोनेशिया, पोलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड और थाईलैंड, सबके परचम नॉर्वे के झंडे में छुपे हुए हैं। आपको शायद सुनकर हैरत होगी कि सैयारा मरीख यानी मार्स का भी एक परचम है। नासा के एक इंजीनियर ने मरीख के लिए ये झंडा बनाया था।
जिसमें लाल रंग इस सुर्ख सैयारे की नुमाइंदगी करता है, जबकि सब्ज और नीले रंग इस पर जिंदगी के अमकानात और मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं। अब आखिर में आता है हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस परचम की मंजूरी 11 अगस्त 1947 को एक इजलास में दी गई थी, यानी मुल्क की आज़ादी से सिर्फ 3 दिन पहले। बाद में यही झंडा दुनिया भर के मैदानों पर लहराया और हमारी दुआ है कि ता कयामत यूं ही सर बुलंद रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।